जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है, ब्रह्मा जिसने है रचा, संसार जिसने है बसा, ये कथा देव के नंद की। बड़ा बनने के लिए बड़े कार्य, बड़ा दिल चाहिए। अरे जाओ जियो अपने घरों के लिए, अपने परिवारों के लिए, जाओ जियो अपनी ख्वाहिशों के लिए, लेकिन समाज के लिए सब में जीने की हिम्मत नहीं होती, वो तो किसी किसी में होती है। शायद वो विकर्ण था जो अपनी भाभी मां के लिए खड़ा हो गया, वो भी दुर्योधन जैसे दुष्ट के सामने, जहां पितामह भीष्म नहीं बोले, द्रोणाचार्य नहीं बोले, कृपाचार्य नहीं बोले, कोई नहीं बोला, अकेला विकर्ण बोला। दुर्योधन से कहा, यह मत सोचना कि सत्य की लाज उतार कर तुम जिंदा बचोगे, तुम्हारे कुल में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा अगर एक सती का अपमान करोगे तो। याद रखना, और देखिए जब विपत्ति आती है ना, बड़े बड़े योद्धा भी सर नीचे करके बैठ जाते हैं, आपकी हेल्प नहीं करते, सब लोग सर नीचे कर लेते हैं। ये लो, भीम जिसकी गदा से दुर्योधन को डर लगता है, वो भीम सर नीचे करके बैठा है। अर्जुन जिसके गांडीव की प्रत्युंचा अगर एक बार जोर से आवाज कर दे तो बड़े बड़े योद्धाओं का सीना धड़कने लग जाता है, डर के मारे भयभीत होता है, वो अर्जुन सर नीचे करके बैठा है। द्रौपदी को दिखा कि अब मेरा कोई नहीं है, कोई भी मेरा नहीं। उस समय द्रौपदी को अगर किसी की याद आई तो अपने द्वारकाधीश की याद आई कि तू ही है मेरा, सिर्फ तू ही है, सिर्फ तू। और दोनों हाथ उठाए, देखिए द्रौपदी का विश्वास। आजकल की स्थिति वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी। रजस्वला स्थिति में माता बहनों को कोई काम नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ इसलिए भी इफेक्टेड उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है कि हम लोग उस स्थिति में भी मंदिर में चले जाते हैं, भगवान की पूजा कर देते हैं, रसोई में भोजन बना देते हैं। कुछ पवित्रताएं बहुत जरूरी हैं, बुरा मत मानिएगा, मैं बच्चाई हूं अभी आप लोगों का, लेकिन कुछ व्यवस्था, अगर उस स्थिति में आप भोजन बनाओ, भोजन अपने हाथ से कराओ, तो निश्चित वो भोजन करने वाले की बुद्धि भ्रष्ट होगी ही होगी। अगर ये स्थिति हो तो चाहे बाहर से भोजन बनवा के खा लो, लेकिन खुद से भोजन नहीं बनाना चाहिए। उस स्थिति में देवियों को विश्राम करना चाहिए, क्योंकि पूरे महीने वो इतना काम करती हैं, उनका कोई संडे नहीं होता, तो उन दिनों में उनको सिर्फ विश्राम करना चाहिए, कोई काम न करे। द्रौपदी के तन पर सिर्फ एक ही साड़ी थी, एक ही वस्त्र था, और उसका भरोसा देखिए कितना मजबूत था, कितने गजब का भरोसा रहा होगा द्रौपदी का कि दुशासन जब साड़ी खींच रहा है तो द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए, अगर तू चाहता है मेरी लाज चली जाए तो बचाएगा कौन, अगर तू चाहता है ना चली जाए तो ले चली जाना है, और तू बचाएगा तो मेरी लाज नहीं जा सकती। भगवान ने कहा चिंता मत कर,
जो मुझ पे अटूट विश्वास करते हैं उनकी लाज उतारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, कोई पैदा नहीं हुआ। भगवान द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र रूप में प्रकट हो गए और वस्त्र रूप धारण करके द्रौपदी की साड़ी में समा गए। मानो दुशासन को चैलेंज किया हो, देखें तेरी मां ने तुझे कितना दूध पिलाया, खींच। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन साड़ी खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया, आखिरकार खुद ही धड़ाम से गिर पड़ा, खुद ही गिर पड़ा। नहीं उतार सका द्रौपदी की साड़ी को, नहीं छीन सका, नहीं कर सका अपमानित द्रौपदी को, नहीं कर सका निर्वस्त्र द्रौपदी को। क्यों? क्योंकि उसकी लाज बचाने वाला भगवान था, कोई संसारिक प्राणी नहीं था, स्वयं द्वारकाधीश उसकी लाज बचा रहे। एक बात याद रखिए, जो भगवान के कृपा पात्र हैं उनसे जो भी टकराता है परिणाम उनके पक्ष में नहीं जा सकता। हो सकता है वो देखने में एक दो दिन लग जाए, एक दो साल लग जाए, दो चार साल लग जाए, पर परिणाम तो दिखता है। और दुर्योधन का परिणाम क्या हुआ हम सब जानते हैं, घर में एक बच्चा नहीं बचा उसे पानी देने वाला, एक बच्चा उसके घर में, उसके परिवार में। आखिरकार पांडवों के वंश से ही उसकी सारी कर्मकांड की विधि पूरी होती है। राधे राधे बोलना पड़ा, जोर से बोलना और जोर से। सत्यमेव जयते, पांडवों की विजय हुई, पांडवों की विजय हुई। पांडवों को राज्य तिलक भगवान ने धर्मराज का राज्याभिषेक करवाया और राज्याभिषेक करवाने के बाद पांडवों को लेकर भगवान पितामह भीष्म के पास गए। और जब पितामह भीष्म ने भगवान श्री श्याम सुंदर को देखा तो उन्हें आनंद आ गया, भगवान को नमन और प्रणाम करने लगे। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम् यावदिदं हिनोम्यहम्। प्रसन्न हासा रुणलोचनोलसन् मुखाम्बुजो ध्यान पतश्चतुर्भुज। पितामह भीष्म श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं, वर मांगते हैं, प्रभु आपका ये जो सुंदर मुखारविंद है बड़ा ही मन को मोह लेने वाला है, आपका ये कमल नयन बरबस हमें आपकी ओर आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। ये उल्लासित मुखारविंद, इसका दर्शन करके स्वतः ही आनंद की अनुभूति होती है। आप प्रभु चतुर्भुजी रूप में मेरे सामने यों ही खड़े रहें, तब तक खड़े रहें जब तक मेरे प्राण ना निकल जाए। देखिए भक्त भगवान की प्रतीक्षा करे लेकिन भगवान भी भक्त की प्रतीक्षा करता है। पितामह भीष्म कहते हैं आओ कृष्ण मैं समझ गया तुम बहुत ही बड़े चोर हो। चोर? भगवान बोले मैं चोर? बोले हाँ आप चोर हो। दुनिया तो चोरी करने के लिए संसार की जगह में जाती है, संसार में जाके चोरी करती है, पर तुम जैसा चोर मैंने नहीं देखा। चोराग्रगण्यम, तुम चोरों में अग्रगण्य हो, तुम युद्ध में भी युद्ध करते करते चोरी करते हो।
श्री कृष्ण मुस्कुराए, हमने चोरी की? बोले हाँ आपने चोरी की। श्री कृष्ण बोले हमने कहां चोरी की? बोले आपने बहुत बड़ी चोरी की, आपसे बड़ा चोर कोई दुनिया में नहीं है। पर क्या चोरी करी हमने? बोले कृष्ण मैं सब जानता हूं, ये पांडव तो सोच रहे होंगे ये युद्ध इन्होंने जीता है, इनकी कहां मजाल के ये युद्ध जीत सके, सारा युद्ध तो तुमने ही लड़ा है, बिना शस्त्र के तुमने लड़ा। आपने चोरी कहां की बताऊं क्या? बोले जी बताइए। बोले जब भी कोई योद्धा अर्जुन से युद्ध करने जाता था और अर्जुन पर जब वो अपने तीखे बाणों से प्रहार करता था, और जब आप देखते थे कि अर्जुन परेशान हो रहा है, थकान महसूस कर रहा है, तब तब आप अपने मुखमंडल की आभा, अपने मुख का तेज आप बढ़ा देते थे। और जब आपके मुख का तेज बढ़ता था तो सामने वाला योद्धा आपके मुखारविंद का दर्शन करते अपना चित्त तुम पर लुटा बैठता था। और जब उसका चित्त तुम में लग जाता तो वो युद्ध करने के लायक नहीं रहता। अरे अरे इनके इनके नैनों के बाणों के मारे हुए लोग भोजन करने के लायक नहीं होते, युद्ध क्या खाक करेंगे? अच्छा अबे तुम समझोगे नहीं, अब समझने के लिए बात बताओ। जिसकी कथा तुम्हें इतना दीवाना कर दे के घर परिवार बीवी बच्चे वो सब छोड़ छाड़ के काम धाम यहां बैठे हो, एक पंडित जी की बात सुन रहे हो, बस सब छोड़ छाड़ के, कोई भी दुनिया भर का कितना भी बड़ा स्टार आ जाए और 7 दिन यहां बैठा रहे, क्या तुम 7ों दिन आओगे उससे मिलने? ईमानदारी से बताओ। बहुत बड़ा स्टार यहीं बैठा रहे, 4-4 घंटे यूं ही बैठा रहे हमारी तरह, आओगे? अरे पगला गए का देखते देखते अब नहीं जाएंगे, एक एक का देखना। और यहां तो हर साल आते हैं, 8 दिन के लिए आते हैं, फिर यूं ही जमघट लगा के बैठ जाते हैं, और फिर आप लोग आकर बैठ जाते हो, का है? अरे भाई है का, यहां है क्या? बोले साहब ये तो वही बता सकते हैं जिनके दिल में लगी है। अब सोचो जिसकी कथा इतना लगा देती है तो जिनको नैनों के बाणों से कन्हैया घायल करते होंगे वो बेचारे युद्ध करने लायक बचेंगे क्या? बचेंगे युद्ध करने लायक? जगत सब छोड़ दिया हाय, जगत सब छोड़ दिया सावरे तेरे पीछे पुरसिया तेरे पीछे काना ने तो कथा पंडाल में आई, पंडाल में आई ऐसी सुरीली तेने ऐसी प्यारी काना तेरी कथा सुनाई रे, कथा सुना क्या कि मनवा जोड़ लिया, कि मनवा जोड़ लिया सावरे तेरे पीछे उरसिया तेरे पीछे, सावरे तेरे पीछे उरसिया बताओ युद्ध कर सकेगा वो?
पितामह भीष्म कह रहे नैनों के अर्जुन का बाण तो बेकार था, असली बाण तो तुम्हारे चल रहे थे। क्या नैनों के बाण, क्या प्रकाश। और जब चित्त चोरी हो जाए तो बेचारे पर ना धनुष संभले ना तलवार, वो मंत्र भी भूल जाता था जिससे ब्रह्मास्त्र आवे। हमने तो पता नहीं, वो होता ना सीरियलों में जब देखते हैं, आंखें बंद करता है कुछ पढ़ता है, झट कुछ प्रकट हो जाता है उसके हाथ में और वो मार देता है, देखे ना। अब वो आंखें बंद करे, मंत्र तब पढ़े जब अपनी शुद्ध में हो, शुद्ध में हो तब ना पड़ेगा कुछ। भूल गई मैं शुद्ध बुद्ध तन की, नैन बाण लागे मोहन की। जब नैन बाण मोहन के लगे तो भूल गए सब। हे कृष्णा, अर्जुन चाहे कितना भी कहे कि मैंने इतने योद्धा मारे, पर सब महाभारत के युद्ध में तुम्हारे नैनों के बाणों के मरे पड़े वहां सब के सब। सबका चित्त चुराने वाले मेरा चित्त चुरा लिया। पितामह भीष्म की मधुर, क्योंकि पितामह भीष्म बड़े भक्त हैं भगवान श्री कृष्ण के। चाहे युद्ध उन्होंने किया हो कौरवों की तरफ से, पर कृष्ण के परम भक्त हैं। और क्यों ना हो, गंगा पुत्र जो ठहरे, गंगा पुत्र हैं तो कृष्ण भक्त तो होंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से, थोड़ा और जोर से। तो महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई और श्री कृष्ण कुंती भुआ के पास में गए। और कुंती भुआ ने जब कृष्ण को देखा, दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया। नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बहिर्वस्थितम्। कुंती कहती है, हे कृष्ण मैं तुम्हें नमन करती हूँ। हे सबके अंदर बाहर स्थित रहने वाले परम पुरुष, मैं आपको बार बार नमन करती हूँ। श्री कृष्ण कहते, बुआ ये उल्टा काम क्यों कर रही हो, उल्टा काम क्यों कर रही हो तुम? भाई तुम हमारी बुआ हो, हम तुम्हें प्रणाम करेंगे, भतीजा प्रणाम करता है, आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? बोले, हे कृष्ण हम तुम्हें जानती हैं, तुम सिर्फ मेरे भतीजे ही नहीं हो, तुम और क्या हो मैं ये जानती हूं। तुम साधारण एक पुरुष नहीं हो, मैं जानती हूं, मैं पहचान गई हूं तुम्हें। और एक और बात बताऊं कृष्णा, जितनी कृपा तो तुमने कुंत अपनी देव की मां पर नहीं की, जितनी कृपा तुमने अपनी इस भुआ पर की है। अपनी देव की मां पर भी कृपा नहीं की आपने इतनी, कैसे? बोले, जब तुम्हारी मां के छह छह पुत्रों को तुम्हारे मामा ने मार दिया, तब तुमने उनके बच्चों को बचाया नहीं, लेकिन तुमने अपनी भुआ के पांचों बच्चों में से एक बच्चे को भी जाने नहीं दिया। तुमने इतनी कृपा अपनी इस भुआ पे की। मैं जानती हूं द्रौपदी की लाज बचाने वाले तुम हो, मेरे बच्चों को लाक्षाग्रह में जलने से बचाने वाले तुम हो, महाभारत के युद्ध में मेरे बच्चों की विजय कराने वाले कृष्ण तुम हो। हे कृष्ण, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए, अभी तुम्हें उल्टा तुमसे मांगना चाहती हूं, तुम मुझे दे दो। विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हे कृष्ण, अगर तुम देना चाहते हो ना तो मुझे दुख दे दो, मेरे जीवन में से कभी दुख समाप्त ना हो ऐसी कृपा कर दो।
मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिस सुख के आने पर मैं तुम्हें भूल जाऊं, मुझे वो दुख चाहिए जिस दुख में हमेशा तेरा नाम बना रहे, याद बनी रहे, तेरी स्मृति बनी रहे। मुझे वो दुख दे दो, मुझे सुख नहीं चाहिए। जब मैं दुखी थी तो कृष्ण मेरे संग थे, पग पग के संग थे, और आज जब सुख मिला तो कृष्ण हमें छोड़ के जाना चाहता है। वो सुख किस काम का? मुझे दुख चाहिए। और वैसे भी मैं तुम्हें रोकने वाली कौन होती हूं? मैं तुम्हें रोक भी कैसे सकती हूं? सिर्फ बुआ ही तो हूं तुम्हारी। तुम देवकी के कहने से उसके पास नहीं रुके जब तुम्हारा जन्म हुआ। जिस मां ने तुम्हें पाला यशोदा, उसके कहने से तुम वहां नहीं रुके। मैं तुम्हें कैसे रोक सकता? यशोदा को भी रोता हुआ छोड़कर चले आए, देवकी को भी रोता हुआ छोड़कर चले गए, और अपनी बुआ को भी रोता हुआ छोड़ के चले गए। मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूं, कौन तुम्हारी बुआई तो हूं, पर कृष्ण वो पल कभी ना आए जिस पल तेरी याद ना आए। चाहे वो पल सुख के हो या दुख के हो, हर पल तेरी याद आती रहे, ऐसी कर। सुख के मुंह पे धूल परे, जो प्रभु को नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख श्रेष्ठ है जिस दुख में तुम्हारी याद बनी रहती है। सुख में तो व्यक्ति मदांत होकर तुम्हें भूल जाता है, वो सुख नहीं चाहिए हमें, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। कृष्ण कहते हैं, भुआ तुम्हें ये माया नहीं सताए, तुम निष्फिकर रहो, निर्भय रहो। और कृष्ण जाने लगे तो उत्तरा सामने से आई, और उत्तरा ने अपना दर्द बताया कि कोई शक्ति है जो मेरे गर्भ में स्थित उस शिशु को समाप्त करना चाहती है। भगवान ने उसी समय अंगुष्ठ के समान स्वरूप धारण किया और गर्भ में पहुंच गए उस शिशु की रक्षा करने के। जीवन पर्यंत याद रखना, अगर तुमने भगवान से सच्चा नाता जोड़ा है तो मेरा गोविंद तुम्हारी रक्षा करने हर जगह उपस्थित होगा, चाहे तुम कहीं भी हो। आप लोगों ने कितनी बार सुना है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं लीला करने के लिए जब संसार में आना होता है तो भी मां के गर्भ में नहीं जाते, वो प्रकट होते हैं। चाहे वो राम जी के प्रकट की कथा आपको मालूम हो, चाहे वो कृष्ण जी के जेल में प्रकट होने का वो दृश्य हो, भगवान प्रकट होते मां के गर्भ में नहीं जाते। लेकिन जो स्वयं के अवतार के लिए मां के गर्भ में न जाते हो, जब उन्हीं भगवान को पता चला कि मेरे भक्त पे गर्भ में संकट है, तो मेरे ठाकुर ने विलंब नहीं किया और गर्भस्थ पहुंच गए उस बालक की रक्षा करने के लिए। उस शिशु की रक्षा कर। तो जो उत्तरा के गर्भ में जा सकते अपने भक्त की रक्षा करने, वो कानपुर में भी आ सकते अपने प्रेमियों का सम्मान बढ़ाने के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए। अरे कोई श्याम का दीवाना तो बने, अरे कोई श्याम का दीवाना तो बने, हाँ सुंदर श्याम का दीवाना तो बने, सुंदर श्याम का दीवाना तो बने, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन, दीवाना बन मस्ताना बन।
बनना पड़ेगा। मेरे प्रभु का कोई दीवाना बनेगा, भक्त बनेगा, मेरे प्रभु उसे कभी नहीं छोड़ेगा। कहीं भी संकट होगा वहां तुरंत पहुंच जाएगा भगवान उसकी रक्षा करने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। बोलो राधे राधे, ऐसे नहीं, और जोर से। तो प्यारे शिशु की रक्षा की और वो शिशु का नाम परीक्षित हुआ। एक दिन वो भी आया जब भगवान अपनी लीला पूरी करके अपने स्वरूप को भागवत में स्थापित करके स्वधाम के लिए प्रस्थान करते, और पांडवों को जब ये संदेश मिलता है तो कुंती भुआ के प्राण सुनते ही निकल जाते कृष्ण कृष्ण कहते हुए। दशरथ जी महाराज के प्राण राम के न आने का संदेश सुनकर, और कुंती भुआ के प्राण कृष्ण का गोलोक गबन सुनकर भगवान से प्रीति सच्ची करो, दिखावे की आवश्यकता नहीं। दिखावे से तो दुनिया मोहित होती है, गोविंद नहीं। दिखावे से ये दुनिया भ्रमित हो सकती है, मेरा भगवान नहीं। और कोई भी व्यक्ति कैसा भी क्यों ना हो, एक बात याद रखना, आखिरकार आप सबको, हम सबको उसी परमात्मा को जवाब भी देना है, उसी मालिक को जवाब भी देना है। और एक बात समझ लीजिएगा, वहां झूठी दलीलें नहीं चलती, क्योंकि तुम्हारे हर कर्म का वीडियो उनके पास मौजूद है। प्रेम करो तो सच्चा करो ना, कोई आवश्यकता नहीं दिखावे, कोई जरूरत नहीं आर्टिफिशियल होने। तो कुंती के प्राण उसी समय चले गए, और पांडव भी राजा परीक्षित को बनाकर, देखिए जब परीक्षित को राजा बनाया गया उस समय परीक्षित की आयु मात्र 15 साल की। परीक्षित जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, आप सब चले जा रहे हो, मैं अकेला हूं, मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नहीं पता। धर्मराज जी ने बहुत सुंदर उपदेश दिया, हर मां बाप अगर अपने बच्चों को यह उपदेश दें तो हमारे बच्चे आज भी श्रवण कुमार और परीक्षित जैसे ही पैदा होंगे। हमारे बच्चे सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं है, सिर्फ रोटी कपड़ा के लिए वो पैदा नहीं हुए हैं, समाज के प्रति भी उनकी जिम्मेदारी है। उनका चरित्र ऐसा उदाहरण बने कि लोग वैसा बनना चाहें। धर्मराज ने कहा कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना, तुम अकेले नहीं हो। जब भी तुम्हें यह फील लगे कि तुम अकेले हो, अपने द्वारकाधीश को याद करना, वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। संसार में अकेला वही है जो मेले के बीच में बैठा है, जिसके साथ है मेला सही माने में वही अकेला, और जो बैठा है अकेला उसके साथ है मेरा बंसी वाला अलबेला। कोई तो खुदी को भूल कर मैंने खुदा को आज पाया है, खुदी को भूल कर मैंने खुदा को आज पाया है, जो ना आया अब तलक मेरी समझ में आज आया है, जो ना आया आज तक मेरी समझ में आज आया है, क्या खुदी को भूल कर मैंने उस खुदा को आज पाया है। तो जो मेले में है वो तो अकेला है, जो मेला में नहीं है उसी को बंसी वाला मिला। तो ये मत समझना कि तुम अकेले हो, हमेशा एक बात समझो, मेरा कन्हैया तुम्हारे साथ है। और यही बात बच्चों को सिखाओ, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ गोविंद है। खैर
पांडवों के जाने के बाद यश्रद्धा तद भगवत प्रयाणम पांडव सुतानाम मित संप्रयाणम श्रेणुर्लभ स्वस्थैनम पवित्रम लद्वा हरौ भक्ति मुपेत सिद्धिम। परीक्षित महाराज की कथा। राजा धर्मात्मा होना चाहिए, धर्मपरायण होना चाहिए। राजा के लिए सारी प्रजा बराबर होती है। सही माने में वही राजा है जो सबको समान दृष्टि से देखे। धर्मपरायण राजा है वो, और जो प्रजा में मतभेद करे वो राजा धर्मपरायण नहीं हो सकता। और अगर राजा धर्मपरायण होगा तो प्रजा भी धर्मपरायण होगी। ये हमेशा से है, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। परीक्षित बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत धर्मात्मा। एक दिन कहीं से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गो मिथुनम राजा हन्य मानव नाथवत दंड हस्तम चब्रसलम तद्रसे न बलांचन। सूजी कहते हैं सोनक जी, वहां पहुंचकर राजा परीक्षित ने देखा कि एक बड़ा विचित्र काला सा व्यक्ति राजा के से भेष में हाथ में दंड लेकर गाय को और बैल को ऐसे पीट रहा है जैसे उनका कोई स्वामी नहीं है। आज अगर कोई गाय की बात करेगा तो वो देशद्रोही साबित हो जाएगा, हाँ या ना? आज आप गाय की बात नहीं कर सकते इस देश में, जो करोगे तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। और सनातन धर्म के मुताबिक गौ में 33 करोड़ देवी देवता बसते हैं, और 33 करोड़ देवी देवता जिस गाय में बसते हैं, आज वो गोपाल के देश में गाय सनातनियों की बेरुखी से परेशान है। 70 साल हो गए हमको आजाद हुए, गौ हत्या बंद नहीं हुई इस देश में। और शायद आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, करनी चाहिए कि नहीं? क्योंकि जिससे उम्मीद करोगे उनकी अपनी अपनी मजबूरी है। अब हमें नहीं पता क्या मजबूरी है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बोल के भी देख लिया हमने। और ज्यादा बोलने से मिलेगा भी क्या? कितनी कथाओं में गौ के लिए बोला है। वैसे मुझे लगता है सरकारों से ज्यादा दोषी तो हम और आप हैं। कुत्ते पालने का शौक पाल लिया है, गौ पालने का शौक नहीं पाला है। देश तो नरक में जाएगा ही, गर्त में जाएगा ही, गौ पालने वाले जब कुत्ते पालने लग जाएं। गौ के गोबर से नाक ढकने वाले लोग कुत्ते की उठाने में शर्म महसूस नहीं करते। तुम कुत्ते पालोगे तो साफ कौन करेगा? तुम्हारे घर को साफ कौन करेगा? अपने बच्चों का मलमूत्र साफ न करने वाले लोग कुत्तों का मलमूत्र साफ करते हैं। और बड़े बड़े घर के लोग कहते हैं आई लाइक डॉग्स। गौ जिस घर में रहती है संस्कार बने रहते हैं, और कुत्ते जिस घर में रहते हैं आई एम सॉरी टू से संस्कार धीरे धीरे खत्म होते चले जाते हैं, समाप्त। कई श्रोताओं ने कथा सुनना बंद कर दिया, आप कुत्तों की बुराई करते हो इसलिए हम नहीं आएंगे। मुबारक हो तुमको, पालो कुत्ते मत आओ कथा में। लेकिन व्यासपीठ तो सत्य ही कहेगी, झूठ नहीं। तुम कथा में आ जाओ इसलिए मैं झूठ बोल दूं, ये मेरे जमीर को गवारा नहीं है, ये मुझे गवारा। तेरा कुत्ता तुझे मुबारक, मेरी गऊ मुझे मुबारक।
आप सब हम लोग सरकारों से उम्मीद रखते हैं, एक एक गऊ क्यों नहीं पाल लेते, 90 करोड़, 80 करोड़, जन पता नहीं कितने करोड़, मेरे पास तो संख्या नहीं है, हिंदू हैं और गऊ हैं सिर्फ 9-10 करोड़, फिर भी गऊ भटक रही है शायद इनसे गऊओं से ज्यादा, तो कुत्ते घरों में बैठे। सरकार ही तुम्हारी गऊ नहीं रखेगी, हम सबको रखना पड़ेंगे। अभी हमारे अरे कहां जा रहा हूं, लौट के आ जाए छोड़। राधे राधे बोलना पड़ेगा। गौ से पूछा आप कौन है, बोले मैं पृथ्वी गौ के रूप में। बैल से पूछा आप कौन, बोले मैं बैल के रूप में धर्म। ये कौन है, बोले कलयुग हमें मार रहा है। कलयुग क्यों मार रहा है, बोले कलयुग हमें इसलिए मार रहा है महाराज क्योंकि कलयुग में धर्म ने कहा कि लोग धर्म तो करते हैं पर दिखावे के लिए, नाम के लिए धर्म करते हैं। आपने देखा भी होगा हमारा धर्म, जब तक कथा पंडाल में बैठे हमसे बड़ा धर्मात्मा कोई नहीं, और कथा पंडाल में जाने के बाद, बाहर जाने के बाद ही दूसरे को गाली देने से 1 सेकंड लगता है हमको, एक दूसरे का बुरा करने में 1 सेकंड लगता है। अरे वहां भीतर तो तुम इतने कथावाच सुन रहे थे बड़े प्यार से, तो ऐसा लग रहा था माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलाबा, तुमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, और बाहर आकर देख रहा है सीधे कृष्ण के नहीं कंस के चाहने वाले हो। अरे महाराज चुप करिए, आपका क्या है, आप तो बोलते ही रहते। ऐसे धर्मात्मा है, कथा सुनने वाला वही धर्मात्मा हो सकता है जो मीठी वाणी का प्रयोग करे, अच्छे शब्दों का प्रयोग करे, और जो है अपने अच्छे कर्मों को जीवन में उतारने की कोशिश करे, तो समझो कथा काम आ रही है। तुम्हारे मन से, वचन से, कर्म से किसी को तकलीफ न पहुंचे। बोले महाराज हम इसलिए दुखी है। गौ से पूछा आप क्यों दुखी है, बोले महाराज लोग मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, बड़े बड़े मकानात बनाते हैं, मुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन जब यही लोग मेरे ऊपर बाल हत्याएं करते हैं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। बाल हत्याएं करते हैं जब, नहीं होता मेरे से बर्दाश्त। कलयुग मार रहा है, बोले हाँ, तो चिंता मत कीजिए मैं कलयुग को ही समाप्त करता हूं। हाथ में खड़ग निकाली और उस कलयुग को मारने के लिए राजा परीक्षित गए, और कलयुग ने देखा राजा धर्मात्मा है मुझे मार डालेगा, तो राजा परीक्षित की शरण में त्राहिमाम त्राहिमाम करते हुए पहुंच गए। और ऐसा क्षत्रियों का धर्म है कि शरण में आए हुए व्यक्ति को न तो भगवान त्यागते हैं, न सच्चा योद्धा त्यागता है, और न सच्चा ज्ञानी त्यागता है। आपकी शरण में जो व्यक्ति आ जाए उसे क्षमा कर देना चाहिए, उसे फिर कोई दंड नहीं देना चाहिए। राजा ने कहा हम तुम्हें मार देंगे, बोले महाराज अब मैं आपकी शरण हूं, आप मुझे मत मारिए। बोले ठीक है चलो नहीं मारेंगे, लेकिन मेरा देश छोड़ के चले जाओ, मेरे देश में कलयुग का कोई स्थान नहीं। बोले महाराज ऐसे मत कीजिए, आप मुझे मारना चाहते ना बिल्कुल मार दीजिए, लेकिन मुझ में भी कुछ अच्छाई है, वो अच्छाई सुन लीजिए। तुम में क्या अच्छाई है, बोले सुनिए महाराज सत्युग में 60,000 वर्ष तक तपस्या करो तब भगवत प्राप्ति होती है, त्रेता युग में 10,000 वर्ष और कल द्वापर युग में 1,000 वर्ष, ये भी तब भगवत प्राप्ति होती है जब तपस्या पूरी हो जाए तो। लेकिन महाराज कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल
कालो नास्तैव 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 गति से। कलयुग ने कहा महाराज मुझ में इतनी अच्छाई है कि कलयुग में रहने वाले श्रोता जीव मानव अगर सिर्फ आपके नाम का जाप करें, कोई यज्ञ होम तप व्रत उनसे ना हो, तो सिर्फ आप भगवान के नाम का ही कल्याण, नाम उनका जो है कल्याण कर देगा। नाम एव केवलम, सिर्फ नाम से उनका कल्याण हो जाएगा। राजा परीक्षित ने सोचा ये तो कलयुग की बड़ी विशेषता है, नहीं यज्ञ करना तप करना ये तपस्या कहां, बड़ा मुश्किल काम है, होता ही नहीं लोगों से। तो उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें कुछ जगह दे देते हैं वहां जाके रहो। कहां रहे? बोले जहां पर लोग मदिरा पान करते हैं वहां रहो, जहां लोग जुआ खेलते हैं वहां रहो, जहां पर हिंसा करते हैं वहां रहो, जहां पर वेश्यागमन करते हैं वहां रहो। और कलयुग ने कहा महाराज रुको। बोले क्या भगवान? परीक्षित जी बोले चार ही जगह तुमको मिलेंगे। बोले नहीं महाराज एक जगह और दे दो, ये जितने भी स्थान आपने हमको बताए हैं ये तो सब आपके राज्य में है ही नहीं, मेरी फैमिली थोड़ी बड़ी है, एक मेरी जगह मेरी मर्जी से दे दो। सब पूछो क्या क्या चाहिए बोलो। बोले स्वर्ण में निवास दे दीजिए। एव मस्तु कह दिया। और राजा के सर पे जो मुकुट था वो भी सोने का था, राजा के सर पे मुकुट सोने का था। राजा के सर पे बैठ गए। अच्छा एक बात बताएं, ये कैसे पता चले कि हम पे भी कलयुग सवार है? पता जरूर करना कि हमारे जीवन में कलयुग है कि नहीं। अब मोबाइल में ही मत सुनो कथा, ऑन करके छोड़ दो, देखो तो हमें ही, सुनो तो हमें ही, और तुम तो वही लगा के छोड़ दो जिससे। हाँ अरे गजब की बात है, 9 लाख 9.5 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं, तो इसका मतलब है धर्म अभी कमजोर नहीं है, धर्म अभी भी चकाचक आगे बढ़ रहा है। हमारे धर्म के प्रेमी थोड़े आलसी हैं, देख लेंगे, किसी को नहीं शेयर करेंगे, लोग क्या कहेंगे भक्त हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, बुराई शेयर मत किया करो किसी की, अच्छाई, जो अच्छाई शेयर करे समझो जीवन में वो सतयुग का प्रभाव में जी रहा है, और जो किसी की बुराइयां शेयर करता फिर रहा हो समझना वो कलयुग के प्रभाव से प्रभावित है, और ये कलयुग ही है। अपने आप को सतयुगी बनाइए, कलयुगी क्यों बनाना है? कलयुग ने ऐसा कहा। कलयुग प्रभावशील कैसे समझें अपने जीवन में, कि जब हम धर्म के विरुद्ध आचरण करें, बड़े लोग बुरे लगने लग जाएं, सम्माननीय लोगों की निंदा अच्छी लगने लग जाए, तो समझना हमारे ऊपर कलयुग हावी है। जिनका सम्मान करना चाहिए उनका अपमान करें, जो काम नहीं बताया दे वेद में और वही करें, तो समझना कलयुग हावी है, कलयुग का प्रभाव है, समझ लेना। और आजकल कलयुग का प्रभाव को ज्यादा ही है, चोरों की प्रशंसा करते हैं, साधुओं की निंदा करते हैं, ये कलयुग का ही प्रभाव तो है। अरे भाई ये साधु संत कथाकार कुछ नहीं कर रहे तो कम से कम धर्म का प्रचार तो कर रहे हैं,
धर्म का प्रचार करके लाखों करोड़ों लोगों को भगवान का भजन करने की एक संदेश तो दे रहे हैं, लेकिन उनकी बुराइयां नजर आती हैं। और वो जो ठुमके लगा लगा कर हमारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं, गंदी गंदी मूवी बनाकर हमारे बच्चों को तबाह कर रहे हैं, हम लोग उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं, उन्हें अपना स्टार समझ लेते हैं। फिर क्या होगा, कलयुग तो आना ही है, मरना तो है ही है। फिर राधे राधे बोलना पड़ेगा। चलिए, हम उनको भी बुरा नहीं, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम कीजिए। राजा के सर पे कलयुग बैठ गए, और शुरुआत वहीं से हुई। राजा के सर पे कलयुग बैठे, और राजा ने सबसे अब तक जो संतों के चरणों में निछावर रहते थे, आज संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और समीघ ऋषि के पुत्र संघ ऋषि ने सावधि आई तलंगित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनी दक्ष्मी यस्म कुलंगारम नोदे तो मे ततः द्रोम। समीघ ऋषि के पुत्र संघ ऋषि ने राजा को साप दिया परीक्षित को, कि जिसने संत मर्यादा को उल्लंघन किया है, आज से सातवें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। बोलना ही पड़ेगा मेरे भाई बहन। राजा को पता चला, राजा ने घर छोड़ दिया, गंगा के तट पर आ गए, और गंगा के तट पर पहुंचकर अनेकों संत ऋषि मुनियों से पूछा, जिसकी मृत्यु सातवें दिन है उसे क्या करना चाहिए। एक बात कह रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। बोलूं क्या है, एक राजा था, थोड़ा अभिमानी था, और उस राजा ने अपने सैन्य कक्ष के आसपास 25 गमले फूलों से सजे हुए सजवा रखे थे। बड़ा सुंदर उसके गमले थे, बड़े सुंदर गमले थे। एक दो नौकर उन गमलों की देखभाल करने के लिए लगा रखा था, एक दो नौकर। एक दिन एक नौकर, एक सेवक गमलों की सफाई कर रहा था, अचानक से गमला गिर गया। मिट्टी के तो गमले थे ही, और वो क्या हो गया, टूट गया। और जब वो गमला टूट गया, राजा को ये मैसेज मिला, राजा को जब ये संदेश मिला, तो राजा को बड़ा गुस्सा आया। तुझे इन गमलों की देखभाल करने के लिए रखा था, तूने ही गमला तोड़ दिया, तुझे दंड मिलेगा, और साधारण दंड नहीं, फांसी की सजा मिलेगी। 2 महीने बाद तुझे फांसी की सजा मिलेगी। पर गमला टूट गया, ये राजा को दुख बहुत है, वो चाह रहा है ये गमला जुड़ जाए। तो उसने अपने राज्य में संदेश दिलवाया, जो भी इस गमले को ठीक कर देगा उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। राजा को यह संदेश भिजवा दिया राजा ने सारी प्रजा को। अचानक से एक संत उस नगर में आए हुए थे, और संत को यह सारी बात पता चली, तो संत उस महल में गए, और महल में राजा से कहा जाकर, हम तुम्हारा वो गमला ठीक करेंगे। अरे बाबा, क्या आप पुरस्कार लेने आए हो? बोले, नहीं, हम तुम्हारा गमला ठीक करेंगे। बड़ा खुश हुआ, चलो एक महात्मा पधारे, आइए महाराज आइए। बोले, एक लठ लाओ। एक लठ दे दिया, 25 गमले थे, एक टूट गया, कितने बचे हैं? जोर से बोलो। और जितने भी गमले थे वहां पर, हाथ में डंडा लेकर संत ने वो 24 के 24 उड़ाए, सब फोड़े। 2-4 जब तोड़े, तो राजा को लगा ये कोई नया अनुसंधान किया होगा तोड़ के जोड़ने का। सारे तोड़ के बोले, एक साथ बनाएंगे दोबारा से। सब तोड़ दिए, और संत ने तोड़ के दोनों हाथ अपने साफ किए, और कहने लगे, बता राजा अब क्या करना है। बोले, जोड़ो। बोले, जोड़ो। अरे जिसे हमने तोड़ा उसे हम जोड़ेंगे क्यों? बोले, क्या कह रहे हो महाराज, आपने मेरे बचे हुए गमले तोड़ दिए? बोले, हां, देख नहीं रहा, तोड़ दिए। महाराज, आप जानते भी हो आपने कितना बड़ा अपराध किया है,
महाराज बोले, अपराध तो पता नहीं कितना बड़ा किया है, पर मुझे एक बात बता, इन गमलों से तुझे इतनी मोहब्बत क्यों है? इन गमलों से तुझे इतनी मोहब्बत है? अरे ये तो मिट्टी के गमले हैं, आज नहीं तो कल टूटेंगे ही। ये तो छोड़, ये जो जिस शरीर पर तू अहंकार करता है, जिस अहंकार के वशीभूत होकर तूने उसको फांसी की सजा दे दी, ये भी गमला मेरे ठाकुर का बनाया हुआ है और ये गमला भी एक दिन टूटेगा। ये जो तेरा गमला है एक दिन ये भी टूटेगा और इसे भी टूटने से कोई बचा नहीं सकेगा, तब तू किसको फांसी की सजा देगा? ये गमला टूटा, तूने नौकर को फांसी की सजा दे दी, पर जब तेरा ये बंगला टूटेगा, बंगला गमला सब बराबर हो जाएगा, ऊपर वाला किसको देगा फांसी की सजा? तू सोच रहा है कि मैंने क्यों फोड़ दिए? अरे मैंने तो इसलिए तेरे बचे हुए गमले तोड़ दिए कि 24 लोगों को फांसी पे चढ़ने से बचा लिया, अब जो देना है मुझे देना सजा, दे मुझे सजा। क्या सजा देगा तू मुझे? दे दे उन 24 के बदले सजा, उस 25 में के, उसको छोड़ मुझे दे तू फांसी की सजा। और एक बात, मुझे तो तू फांसी पे चढ़ा भी देगा, लेकिन जब तेरा ये आंत ये शरीर रूपी गमला टूटेगा, तब तो तू ढूंढ भी नहीं सकेगा कि ये गमला तेरा तोड़ा किसने। राजा की आंखों में आंसू आ गया, राजा चरणों में गिर पड़ा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, ये कन्फर्म है, वन डे यू विल हैव टू ब्रेक योर दिस गमला, टूटना है, तोड़ना पड़ेगा, और अपने ही लोग उसे चिता पे चढ़ा के सुहा कर देंगे। किस बात का अहंकार करते हो साहब? किसी की शकल ब्लैक, किसी की व्हाइट हो सकती है, कोई सुंदर कोई असुंदर हो सकता है, कोई धनवान कोई गरीब हो सकता है, कोई क्रोधी कोई लोभी कोई कामी कोई भोगी हो सकता है, लेकिन मत भूलो इस संसार में जितना भी सृष्टि आपको दिख रहा है सब मेरे मालिक के द्वारा बनाया गया है, सब मालिक के द्वारा। इसलिए प्लीज रिस्पेक्ट एवरीवन, प्लीज रिस्पेक्ट योरसेल्फ टू, अपने आप का सम्मान कीजिए, सबका सम्मान कीजिए। सातवें दिन मृत्यु तो सबकी कंफर्म है, हम सबको एक दिन जाना ही है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना। तो राजा की तरह हम और आप भी ये बात समझ लें कि हमें भी सातवें दिन ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो बचे हैं कल से, अभी कथा के सत्र को हम पूरा करेंगे, उससे पूर्व एक भजन गाने की इच्छा है, गाएं का? घर जाने की जल्दी तो नहीं? वैसे मैं टाइम पे आ जाता हूं तो मुझे टाइम पे छोड़ भी देना चाहिए आपको, जो लोग लेट आते हैं उनसे शिकायत है। आप सबसे मेरा निवेदन है, थोड़ा घर से थोड़ा और जल्दी निकला करो, थोड़ा थोड़ा और जल्दी। जो लोग विलंब से आते हैं उनसे मेरा निवेदन है, इतनी विशाल जनसंख्या आप लोगों की उपस्थित है लेकिन आप लोग मेरा ये काम नहीं करते, अपने ही शहर में रहने वाले लोगों को 10-10 लोगों को इन्फॉर्म आप नहीं करते। संख्या कम नहीं, पूरा पंडाल 98% फुल है, 99% फुल है, लेकिन 1% भी क्यों खाली रहे? आप सबसे मेरा निवेदन है, बड़ी से बड़ी संख्या में आप लोग अपने इष्ट मित्रों को बताइए, पधारो पधारो राधा संग सरकार, खुले हैं I'm
प्रिया कांत जू की आरती उतारो है अभी।